गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सभी लोग, गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज है मेरा एग्जाम और कोई टेंशन की बात नहीं है। एग्जाम दे देंगे अपने ओन वर्ड्स में और आप डरना मत। एग्जाम के नाम से हम अपना वीडियो में कोई कमी नहीं लाने वाले। तो फटाफट से आप चैनल पे नहीं हो तो कर दो सब्सक्राइब, जो हम बोलते हैं हमेशा। बोलना क्यों पड़ता है, आपको करना है, जरूरी है, कर देना गाइस। सब देखते चैनल को तो सबको सब्सक्राइब करना बनता है और वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना भी बनता है, तो कर दो फटाफट से। अरे गाइस, आज सूरज कहाँ से निकला है ये देखो। बेबी बेबी क्या कर रही हो? पढ़ाई कर रही हो? अरे वाह बेबी, उल्टा पकड़ के तुम ऐसे पढ़ाई करती हो ऐसे? ये क्या कर रही है? ये क्या है, अब बता क्या है? ये पढ़ाई है? ये आजकल पूरे टाइम सिंचन, सिंचन की मम्मी, सिंचन के पापा, सिंचन के दोस्त, हीरो, सब कुछ थली बना देती है। अब बता, ऐसे पढ़ाई पढ़ाई बोलते इसको? अब जब एग्जाम आएगा तब क्या तू ये लिख के आएगी, सिंचन की मम्मी ऐसे दिखती है, पापा ऐसे दिखते हैं, हैं? सिंचन की फैमिली बना के आई, बताओ। तो गाइस वो क्या है ना, टीवी का स्पीकर जो है ना उसमें खड़खड़ आवाज आ रही है। हाँ तो चलो गाइस पहले टीवी खोलते हैं। पापा आज इसका ऑपरेशन करने वाले हैं। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे स्क्रूज है तो इसको खोलना जरूरी है। ये तो हाथ से खुल जाएगा, ये देखो। सेफ्टी के लिए रखा है, हाँ, धागा वागा बांध के रखा है ताकि टीवी हम बच्चे लोग गिराए ना ऐसे करके। वाह मेरा अवार्ड क्या है गिरा रहे हो? मैंने दो इनाम लाए थे अपने स्कूल से। अच्छी बात है, अच्छे अच्छे। ये आ चुकी अपनी टीवी यहाँ पे। इसके सारे स्क्रूज खोलने पड़ेंगे, दिखाता हूँ मैं। यहाँ यहाँ है इसके स्क्रूज सब। ये इसका मेन बोर्ड है। एक बार क्या हुआ हमारे घर में ना, जोर से बिजली कड़क गई तो ना टीवी उड़ गया था, तो अब ठीक हो गया। कपड़े लाओ भाई, कपड़े जल्दी फटाफट। पापा अपना काम दूसरों से करवाते हैं। लाओ दो, मेरा भी मन कर रहा है टीवी खोलने का। अच्छा काम है जो वो करोगे आप, गंदा काम जो हमसे सामान चाहिए वो हमसे बोलोगे। खोलने में क्या जाता है? मैं तो हर चीज को रखते हैं इस टाइप से, पहले इसके फिर खोलने पड़ेंगे स्टैंड। स्टैंड्स को खोल देते हैं। मुझे एक्सपीरियंस है गाइस, आप लोग मत करिए ये सब काम, मुझे एक्सपीरियंस है इसलिए मैं कर लेता हूँ। तो आप लोग को देखा से क्या करोगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। और इसके ये वाले थ्रेड से देख लो, ये वाले थ्रेड से ही खुलेगा ये, जो कि एक नट यहाँ पे है। इसके लिए एकदम स्टेबल हाथ होना चाहिए, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं, ताकि नटवर्ड्स हमारे घूमे ना। इसमें बहुत सारे स्क्रूज हैं, इसको खोलने में बहुत टाइम लगता है यार। इतना टाइम लगता है, ज्यादा समय नहीं लगता। झंझट। ये इसका प्लास्टिक बॉडी हट गया ऊपर से। पैनल्स हैं और खोले ही नहीं आप। और किसी की बस की बात नहीं बेटा, हमने एक्सपीरियंस, पापा ऐसे ही नहीं, पहले पापा पहले ऐसे ही काम करते थे। जीनियस है, कोई ऐसी काम नहीं, मेरे को सब टेक्निक, ऑलराउंडर है, मैं हर चीज सीखना चाहता हूँ। मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत शौक था। गाइस हमने पैनल ओपन कर लिया है, ये यहाँ पे दिख रहा है इसका बोर्ड, मदरबोर्ड सामने आ गया आपके। और ये पैनल को अच्छे से रख दिया जाए इस टाइप से, तो
फिलहाल हमें ये स्पीकर्स देखने पड़ेंगे। तो इसका काम क्या है, हमको स्पीकर को छेड़ना है ना कि पैनल को? नहीं, पैनल भी निकाल ही लेते हैं, आप साफ कर देते हैं। खोल लिए, मेहनत लगती है। ये निकल गया हमारा बोर्ड और स्पीकर्स की वायर, वो है यार। इसका HDMI भी चेक करना पड़ेगा, HDMI भी थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। जब हमारे घर में बिजली कड़की थी तब टीवी उड़ गया था, तब इसका HDMI उड़ गया था। देखो इसके वजह से ना थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट हुआ था, पट से वजह था, मम्मी सुनी थी। यहाँ पे देखो काला काला हो गया, हाँ अंदर में इसके बिजली घुस गई थी, पार्ट से वजह था, मम्मी सुनी थी इसको। छोटे साउंड बॉक्स कंपनी ने बॉक्स बनाया है इसका, ये बॉक्स बनाया देखो, ताकि इसके अंदर बेस बने और हमको साउंड क्वालिटी अच्छी मिले। ये बेस स्पीकर बूफर्स हैं ये, और ये जंप करते हैं और इसके अंदर आवाज गूंजती है। ये अच्छे से पैक रहता है, ये पूरा पैक रहता है। तो इसके मार्किंग भी हैं लेफ्ट और राइट के, लेफ्ट एंड राइट। तो आइए दोस्तों देखते हैं आगे क्या करना है। गाइस हमें साउंड जो खिरखिरा साउंड सुनाई दे रहा था उसके फॉल्ट मिल चुके हैं। ये आप गौर से देखेंगे तो ये जो वाइंडिंग है, यहाँ पे जो वाइंडिंग की गई है स्पीकर के पेपर्स की, यहाँ पर से देखिए ये गैप छोड़ दिया है एकदम, देखिए बारीक सा, जो जब जंप करता है देख सकते हैं दोस्तों, इधर यहाँ पर गैप आ गया है, यहाँ पर देखिए मस्त पकड़ा हुआ है, और ये देखिए यहाँ पर जो है गैप आ गया है, जिसकी वजह से पेपर यहाँ से फट गए हैं। अब इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा और फिर उसके बाद ये जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये देख सकते हैं इस राइट, ये है लेफ्ट साइड के स्पीकर्स स्ट्रॉन्ग हैं, इधर से सारे पेपर अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, देखिए चारों साइड से जुड़े हुए हैं, और ये वाला जो है ये कॉर्नर छोड़ दिया है यहाँ पे। ये देखिए ये दिख रहा होगा आपको गैप, ये फट गया, देखिए यहाँ से ये वूफर फट गया, इस वजह से ये आवाज़ किरकिरापन दे रहा है। इसके लिए हमें अब कुछ सिस्टम अपनाने पड़ेंगे। और दिखाऊं अच्छे से रोशनी में ये आवाज़, ये आपकी गलती है क्या, इतना तेज साउंड करके सुनने वाले बकवास फाड़ दिए, इतना तेज था साउंड, बकवास नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं। ये देखो ये देखो ये यहाँ से ये छोड़ दिया, देखो ये फट भी गया, प्लास्टिक ये फट गया ना यहाँ से, ये इस वजह से आवाज में किरकिरी आ रही है। इसे अपने को चाहिए फेविकॉल है ना हमारे पास, फेविकॉल ले आओ। गाइस हमारे साथ हो चुका है स्कैम, क्योंकि जो फेविकॉल का डब्बा था वो हमारी बहन लेके चले गई है, कौन, रनू पांडे, अपने बैग में। अब उसको कैसे करेंगे हम लोग, तो इसलिए अब हम लोग को फेविकॉल का नया डब्बा लाना पड़ेगा। क्या पता बॉन फिक्स अंदर झोले में, बॉन फिक्स नहीं, फेविक्विक नहीं लाना, हाँ बॉन फिक्स लेके आना, बॉन फिक्स येलो कलर का, 10-20-50 रुपीस लेके जा, और बॉन फिक्स नहीं मिलेगा तो फेविकॉल का छोटा डब्बा मिलेगा, पता है मोला। तो चलो मैं जाता हूँ और लेके आता हूँ फटाफट से बॉन फिक्स का डब्बा या तो फिर फेविकॉल का डब्बा। गाइस फेविकॉल आ चुका है, मैं ले आया इसको नया खरीद के, अब ये कुछ ही देर में बन जाएगा फटाक से। हेलो ये लो, ये देखो गाइस कुछ इस तरह इसको फेविकॉल से चिपका रहे हैं। अब जो है ये फेविकॉल के द्वारा चिपक जाएगा। गाइस अब ये हो चुका है रेडी, अब हम इसे रख देते हैं सूखने के लिए। धूप भी बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। देखो ये देखो मस्त से पापा ने फेविकॉल लगा दिया है, वहां पे हमारा स्पीकर सूख रहा है और यहाँ पे हमारी टीवी रो रही है कि मेरे को खोल दिया गया है और ये क्या बदतमीजी हो रही है मेरे साथ। गाइस स्पीकर जो हमारा काम था वो तो हो चुका है, अब इस बोर्ड को वापस फिक्स कर देते हैं
और टीवी हमारी यहीं बन जाएगी। गाइस फिलहाल अभी मैं आ चुका हूँ स्कूल से और आज का दिन बहुत बिजी हो गया था क्योंकि मैं पढ़ने लग गया था वो कैमरा ऑफ करने के बाद। और अरे दीदी ये क्या हो रहा है? मार रही मैं तो। अरे नहीं अभी हम लोग खाए हैं मैगड़ा। हमने खाई मैगी, सब ने बजाई पुंगी। तो गाइस मैं आ गया स्कूल से और एग्जाम भी अच्छा गया। नहीं घटिया गया। अरे अच्छा गया। आज इसका एग्जाम का टेस्ट आखिरी था ना? हाँ आज लास्ट डे था तो अब मैं हो गया फ्री। अब हम लोग सोच रहे, अच्छा यार गाइस रुको मैं मम्मी से पूछता हूँ, उसके बाद आपको बताना है कि नहीं बताना है इस वीडियो में, फिर हम आपको एक सरप्राइज देंगे। गाइस हमारे चैनल पे हम एक वीडियो लाने वाले हैं जो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। कौन सा डे है? संडे। संडे अब तो आप समझ गए होगे। अब तो आपको हिंट मिल गया, संडे कल संडे है। ये तो समझ गया ना, तो वेट जरूर करना और वीडियो को लाइक भी कर देना। सरप्राइज। अभी जो है मेरे को जाना है ट्यूशन, आज तो छुट्टी नहीं होने वाली तो मेरे को घूमना नहीं है, मैं जा रहा हूँ पढ़ने। तो आज मैं अभी बंक करता हूँ, अभी मैं चलता हूँ ट्यूशन के लिए, रेडी हो जाता हूँ फटाक से फिर निकलता हूँ। गाइस ट्यूशन की हो चुकी है छुट्टी और अभी देखो हम दोनों जा रहे घर। ये हम लोग इतने धीरे क्यों चल रहे होंगे आपको लग रहा होगा, लेकिन क्या है ना यार साइकिल नहीं लाया और मैं साइकिल लाया हूँ, पर अब इसको छोड़ नहीं सकता था, दोनों का घर साथ ही में, तो मैं सोचा क्यों ना इसको कंपनी दे दूँ, है ना? थोड़ा मजा आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा भाई, कहाँ से, साइकिल नहीं है मेरे पास। साइकिल नहीं है वो भले चलता है, लेकिन हम लोग बात करते हुए एकदम मस्त मस्ती करते हुए घर जा रहे हैं, गाना सुनते जा रहे हैं मस्त अच्छे से। हाँ गाना सुनते हैं मस्त, एक से एक गाना, अपना फेवरेट सॉन्ग बताया ये। गाइस मैं आ चुका हूँ घर और ये देखो सुबह जो पापा एलईडी टीवी बनाए थे, हमारी टीवी का साउंड वो ठीक हो चुका है, अब खड़खड़ा बिल्कुल भी नहीं रहा होगा, आप सुन पा रहे होगे एक बार देख लो। ओ मुस्कान थी है ना गाइस, बिल्कुल भी नहीं खड़खड़ा रहा, तो इसका साउंड भी बढ़िया हो गया। अब गाइस हो चुकी है रात और सोने का समय भी हो चुका है, तो खाना पीना हो गया, पेट भर गया एकदम मस्त। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, वीडियो को हम लोग करने जा रहे हैं यहीं पे एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट न्यू व्लॉग आप तक पहुंच जाए। तो गुड बाय गाइस, गुड नाइट सभी को।